नमस्कार साथियों, आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं और जिसका नाम है समाकलन के अनुप्रयोग। और ये अनुप्रयोग समाकलन का हम क्षेत्रकलन में करेंगे, यानी कि नाम से स्पष्ट है क्षेत्रकलन, दैट्स मीन हमने कुछ वक्रों से परिबद्ध क्षेत्रफल समाकलन की सहायता से ज्ञात करना होगा, ठीक है। और सामान्य वक्र लेंगे, जैसे आपने 11वीं क्लास में जो वक्र पढ़े थे, सरलरेखा, परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त, ठीक है, इत्यादि स्मॉल छोटे छोटे वक्र लेंगे और उन वक्रों से परिबद्ध क्षेत्रफल हम समाकलन की सहायता से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ इस चैप्टर की थ्योरम है वो उस थ्योरम के बारे में आपको बता देता हूँ। तो इस थ्योरम में कहते हैं प्रमेय क्या है, प्रमेय के बारे में पहले समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा ये मेरे पास में एक्सिस है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है, और ये कोई वक्र है, वक्र दिया गया वाई इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, और ये एक्स इज इक्वल टू ए रेखा और ये एक्स इज इक्वल टू बी रेखा है और ये एक्स अक्ष है, ठीक है। थ्योरम है मेरी कि मैंने ये क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, ये क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल कौन सा है, वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स बराबर ए रेखा, एक्स बराबर बी रेखा और एक्स अक्ष, इन सब से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ठीक है। और ये क्षेत्रफल हमारे पास में इंटीग्रेशन a से b y dx से दिया जाता है, यही हमारी प्रमेय, और हम इस प्रमेय का सत्यापन भी करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं प्रमेय। वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स तथा x बराबर a, x बराबर b एवं x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल a से डिनोट किया जाएगा और ये a से b इंटीग्रेशन y dx, या फिर y की वैल्यू एफ एक्स है, यानी कि a से b एफ एक्स dx, ठीक है। हम इस सूत्र का सत्यापन करते हैं कि इस वक्र x बराबर a, x बराबर b और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल मेरे पास में इतना होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं प्रूफ इसका, ठीक है। इसके लिए मैं ऐसा करता हूं कि एक यहां स्ट्रिप बना लेता हूं, ये मैंने यहां एक स्ट्रिप बनाई, एक पट्टी का ली मैंने, ठीक है, और इस पट्टी का के यहां ये दो बिंदु हो गए वक्र के ऊपर, एक P बिंदु और एक Q बिंदु। माना P व Q दो बिंदु वक्र पर है तथा P के निर्देशांक x कोमा y मान लिए हमने और Q के निर्देशांक मान लिए x प्लस डेल x एंड y प्लस डेल y, ठीक है। इस P बिंदु के निर्देशांक मैंने x कोमा y माने, दैट्स मीन यहां से लेकर यहां तक की दूरी x और यहां से लेकर यहां तक की दूरी होगी ये y, ओके। अब देखिएगा इस Q बिंदु के निर्देशांक x प्लस डेल x एंड y प्लस डेल y, ठीक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी x प्लस डेल x, तो ये दूरी तो x थी, तो यानी कि ये दूरी मेरे पास में डेल x हो गई, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी है ये y प्लस डेल y हो गई, ओके। तो अब मैं इस प्रकार से करूंगा कि इस पट्टिका का क्षेत्रफल ज्ञात करता हूं, पट्टिका का क्षेत्रफल, ठीक है, और पट्टिका का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसकी ये जो लंबाई है, लंबाई इसकी चौड़ाई की अपेक्षा बहुत अधिक है, ठीक है, ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, तो मैं ऐसा करूंगा, इसे मैं एक आयत मान सकता हूं जहां इसकी जो लंबाई है वो इसकी इस लंबाई और इस लंबाई की माध्य हो जाएगी, ठीक है। तो ये माध्य लंबाई कितनी हो गई इसकी, ये वाई और ये वाई प्लस डेल वाई, इन दोनों का माध्य ले लिया हमने, ठीक है। तो इस पट्टिका का क्षेत्रफल हो गया मेरे पास में वाई प्लस डेल वाई बाय टू इंटू डेल एक्स, ठीक है। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जो लंबाई है, इसकी चौड़ाई की अपेक्षा
बहुत अधिक है, ठीक है। तो मैं इसे एक आयत की तरह मान सकता हूं जहां इसकी जो लंबाई है इन दोनों लंबाइयों की माध्य हो जाएगी, ठीक है। इस क्षेत्रफल को हमने डेल ए से डिनोट कर लिया, डेल ए इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास में हो गया वाई प्लस डेल वाई बाई टू इंटू डेल एक्स, ठीक है। डेल एक्स का मैंने भाग दे दिया तो ये हो गया मेरे पास में डेल ए अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस डेल वाई बाई टू। ओके, नाउ लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो लेने पर, ठीक है। तो आप देखिएगा जब मैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो लेता हूं, दैट्स मीन ये जो क्यू बिंदु था इसमें डेल एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो ये क्यू बिंदु है वो इस पी बिंदु की ओर आएगा, ठीक है। और जब क्यू बिंदु पी बिंदु की ओर आएगा तो डेल वाई ऑल्सो टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति के अंदर मेरे पास में ये जो टर्म है ये बन जाएगी, यहां लिख लेता हूं मैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एंड ऑल्सो डेल वाई टेंड्स टू जीरो, ओके। डेल ए अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एंड डेल वाई ऑल्सो टेंड्स टू जीरो एंड वाई प्लस डेल वाई बाई टू, ओके। इसके दोनों पक्षों में मैंने ये लिमिट लगा दी, ठीक है। जब डेल एक्स टेंड्स टू जीरो था तो डेल वाई ऑल्सो टेंड्स टू जीरो, तो ये जो लिमिट है ये तो मेरे पास में बन गई डी ए अपॉन में डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू यहां डेल वाई टेंड्स टू जीरो रखा तो ये केवल वाई आ गया, ठीक है। अब मैंने डी ए इज इक्वल टू वाई डी एक्स लिख दिया, ठीक है। तो अब ये जो क्षेत्रफल था, ये क्षेत्रफल था इस पट्टी का यानी कि इस वक्र से नीचे का जो क्षेत्रफल था, ठीक है। तो यहां अगर मैं एक्स का एक्स के डीएक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन करूं एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी के मध्य का, तो इस वक्र के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा जो कि एक्स अक्ष से परिबद्ध है और एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी से भी परिबद्ध है, ठीक है। इंटीग्रेशन ए से बी एंड डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी वाई डी एक्स, ठीक है। तो ये जो क्षेत्रफल है डी ए का इंटीग्रेशन ए से बी के मध्य एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी के मध्य, तो ये तो हो गया इस वक्र से नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल, और ये आ गया मेरे पास में ए और इंटीग्रेशन ए से बी वाई डी एक्स, ठीक है। और इसी का ही हमने सत्यापन करना था यहां, यानी कि एक्स बराबर ए एक्स बराबर बी और एक्स अक्ष और वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल इस सूत्र के द्वारा दिया जाता है। और यहां इंटीग्रेशन ए से बी वाई का मान था मेरे पास में एफ एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। हम इस प्रमेय का बहुत जगह यूज करेंगे और ये प्रमेय एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से मैं वाई अक्ष और वाई बराबर ए और वाई बराबर बी और वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल का सूत्र भी दे सकता हूं, ठीक है। तो ये प्रमेय समझ में आई आपको बच्चों? अगर मैं इसे रिपीट भी कर देता हूं, हमें कहा गया वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स तथा वो x बराबर ए x बराबर बी एंड x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस वक्र का डायग्राम हमने कुछ इस प्रकार से मान लिया था, कैसा भी वक्र हो सकता है, ठीक है। और फिर उसके पश्चात हमने इस वक्र के दो बिंदु लिए और इस पट्टिका का क्षेत्रफल ज्ञात किया। इस पट्टिका का क्षेत्रफल है वो मेरे पास में कुछ इस प्रकार से आया, ठीक है। मैंने इसमें लिमिट लेकर और इसे सरल किया तो मेरे पास में ये सत्यापन हो गया, ओके। अब मैं इसी से रिलेटेड एक प्रमेय और है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूं, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, प्रमेय सेकंड प्रमेय है मेरे पास में वक्र x इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ y तथा y बराबर a और y बराबर b एवं y अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैं इसके लिए डायग्राम बना लेता हूं। मान लीजिएगा ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है, और y बराबर a ये रेखा है और y बराबर b ये रेखा है, और वक्र है सपोज वो कुछ हमने इस प्रकार का मान लिया, ठीक है। ये वक्र y इज इक्वल टू एनी सॉरी x इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो हमने ये क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा,
और ये क्षेत्रफल मैं इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से दे सकता हूँ, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b एंड x dy, या फिर इंटीग्रेशन a से b f y एंड dy, ठीक है। जहाँ इस पट्टिका को हम इस प्रकार से लेंगे तो ये क्षेत्रफल मेरे पास में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो मेरे पास में वक्र y बराबर a, y बराबर b और y अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल था, और यहाँ कौन सा क्षेत्रफल था, यहाँ था x अक्ष और ये y अक्ष है मेरे पास में। यहाँ सपोज वक्र ऐसा है, ये वाला क्षेत्रफल था यहाँ, ठीक है। ये x बराबर a रेखा और ये x बराबर b रेखा है, और ये वक्र है y इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ x, यहाँ मैंने ये क्षेत्रफल ज्ञात किया था, ठीक है। यहां मैंने पट्टिका ली थी y अक्ष के समांतर, और यहां मैंने पट्टिका ली है x अक्ष के समांतर। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब पट्टिका ली जाती है y अक्ष के समांतर, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना होगा हमने x की लिमिट्स के सापेक्ष a से b, और हमारा क्षेत्रफल आएगा y dx, ठीक है, x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल। और इसी प्रकार से जब वक्र दिया गया हमें x इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ y, और हमने y अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना होगा, और y इज इक्वल टू a से y इज इक्वल टू b के मध्य का क्षेत्रफल, तो ये हम x dy से डिनोट करेंगे। यहाँ पट्टिका मैंने x अक्ष के समांतर ली है, दैट्स मीन x dy का इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सरल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्या आपको कुछ वक्र जो हमने 11वीं क्लास में सीखे थे, ठीक है, एक तो सरलरेखा बनानी और एक इसके साथ में वृत्त बनाना, वृत्त के समीकरण, परवलय के समीकरण, दीर्घवृत्त, उसका समीकरण, क्या इनकी जानकारी है? अगर इनकी जानकारी नहीं है तो मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी इससे रिलेटेड दे देता हूँ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम सरल रेखा, वृत्त, दीर्घवृत्त एवं अति परवलय और परवलय, इनके समीकरण और इनका ग्राफ बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। वक्र अनुरेखण, ठीक है, यहां हम रेखा को ट्रेस करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में हम वृत्त को ट्रेस करेंगे, फिर उसके बाद में परवलय, और फिर उसके बाद में दीर्घवृत्त, ठीक है। इन चार तरह के वक्रों और इसके साथ ही कुछ त्रिकोणमितीय वक्र है, साइन एक्स का, कोस एक्स का इत्यादि, हम उनका भी थोड़ा बहुत अनुरेखण देख लेंगे, क्योंकि इन्हीं वक्रों से परिबद्ध क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले रेखा, ठीक है, हम इसका अनुरेखण सीखते हैं। रेखा का व्यापक समीकरण होता है मेरे पास में, व्यापक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मैं यहां से क्या करूंगा कि यहां से मैं इसके अक्षों से प्रतिच्छेदन बिंदु या इस रेखा के अन्य बिंदु ज्ञात कर लूंगा, ठीक है। सपोज इस रेखा के अक्षों से प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष पर ये प्रतिच्छेद करती है तो वाई का मान जीरो, और ये एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगी मेरे पास में माइनस सी बटा ए पे, ओके, और ये वाई एक्स पे प्रतिच्छेद करेगी माइनस सी अपॉन में बी पे, ठीक है। तो मैं इस रेखा को ट्रेस कर सकता हूं, सपोज ये अक्ष है मेरे पास में, एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई, ठीक है, और ये मूल बिंदु हो गया हमारा, और सपोज ये जो बिंदु है माइनस सी बटा ए कोमा जीरो, ठीक है, माइनस सी बटा ए कोमा जीरो, और एक बिंदु आ गया जीरो कोमा माइनस सी अपॉन में बी, ठीक है। तो ये दोनों बिंदु है, ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, सपोज ये बिंदु मेरे पास में एक ये आ गया और एक बिंदु ये आ गया, ठीक है ना,
यहां से लेकर यहां तक की दूरी है वो माइनस सी बटा ए है, ठीक है भी, और ये माइनस सी बटा बी है। ओके, तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस में है वो दूरी उधर की ओर होगी, क्योंकि ये एक जर्नल इक्वेशन है, इसका मैंने जर्नल वक्र बनाया है, ठीक है, नहीं तो ये इधर भी दिखा सकता था, नीचे भी एक जर्नल वक्र बनाया है। यहाँ हमारे पास में ए बी सी की वैल्यू है वो दी नहीं हुई है, ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि ये रेखा किस प्रकार की होगी, ठीक है भी। इसके अलावा हमें ऐसी रेखाएं भी दे सकते हैं, ठीक है, एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इज इक्वल टू वन, इस फॉर्म की भी हो सकती है। तो ये जो रेखा है ये अक्षों पर ए और बी अंतःखंड बनाती है, ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास में मैं इसे इरेज कर देता हूं, मैंने इसे इरेज कर दिया, और ए और बी अंतःखंड बनाने वाली रेखा का समीकरण ले लिया, ये ए और ये दूरी सपोज मैंने बी और ये रेखा हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास में कोई भी रेखा दी गई होगी, हम रेखा के दो बिंदु ज्ञात करके रेखा को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है भी। नेक्स्ट, इसके बाद में वृत्त को लेकर चलता हूं, वृत्त, ठीक है, वृत्त के दो तरह के समीकरण होते हैं। वृत्त का जो समीकरण होता है वो एक तो है मेरे पास में x माइनस एच का होल स्केयर प्लस वाई माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, एक समीकरण तो ये है। इस वृत्त के समीकरण में वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र ये है मेरे पास में h कोमा k, और इसकी वृत्त की त्रिज्या है मेरे पास में r, ठीक है। और हम इस वृत्त को प्लॉट किस प्रकार से करेंगे ग्राफ में, तो वो देखिएगा। मान लो ये अक्ष है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो यहाँ वृत्त का केंद्र h कोमा k दिया गया, तो सपोज h कोमा k बिंदु कहीं ये है, ये h कोमा k बिंदु है, h कोमा k, और इसकी त्रिज्या r दी गई है, तो मैं इस प्रकार से करूँगा कि r त्रिज्या का कोई बिंदु इधर ले लूँगा, और इधर भी और ऊपर भी और नीचे, ठीक है, और इस प्रकार से लेकर और एक वृत्त को प्लॉट कर दूंगा। ये हो गया वृत्त इन चारों से गुजरने वाला, ओके, जहां ये दूरी है मेरे पास में आ, ठीक है भाई, ये वृत्त को हमने प्लॉट कर लिया। तो वृत्त का जो जनरल समीकरण दिया गया है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। एक वृत्त का समीकरण ये भी होता है मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ओके। वृत्त के इस समीकरण से हमारे पास में केंद्र आ जाएगा माइनस जी कोमा माइनस एफ, और इसकी त्रिज्या आ जाएगी मेरे पास में त्रिज्या अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो इस ठीक उसी प्रकार से जैसे एच कोमा के दर्शाया था, ठीक वैसे ही हम माइनस जी माइनस एफ ये बिंदु दर्शा लेंगे, ठीक है, कहीं होगा, और आर जो त्रिज्या आएगी वो त्रिज्या लेकर हम एक वृत्त बना सकते हैं, ठीक है, हम वृत्त का भी प्लॉट इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा वक्र है मेरे पास में परवलय, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, मैंने रेखा को प्लॉट करना और वृत्त को प्लॉट करना सीख लिया है, अब मैं परवलय सिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट, तीसरा वक्र है मेरे पास में परवलय, परवलय के चार मानक समीकरण होते हैं। एक समीकरण तो वाई स्केयर इज इक्वल टू चार ए एक्स, दूसरा समीकरण है मेरे पास में वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस चार ए एक्स, ठीक है, और इसी के साथ ही तीसरा और चौथा भी मैं यही लिख लेता हूँ, यहाँ मैं प्लॉट करके दिखा दूंगा, चलो यही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो वाई स्केयर इज इक्वल टू चार ए एक्स जो वक्र है मेरे पास में परवलय का, तो ये परवलय कुछ इस प्रकार का होता है, ये राइट साइड में खुलने वाला परवलय, ठीक है, राइट साइड में, और इसका शीर्ष है वो जीरो कोमा जीरो, वाई स्केयर इज इक्वल टू चार एक्स का, ठीक है। इसका शीर्ष मेरे पास में, चलो मैं इसकी विशेषता यहाँ लिख देता हूँ, इस परवलय का जो शीर्ष है वो है जीरो कोमा जीरो, ठीक है। अक्ष, ये वाली अक्ष हो गई, इसकी अक्ष है मेरे पास में एक्स अक्ष, इसका नाभिलंब, नाभिलंब है मेरे पास में चार है,
ओके। नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण, ये इसका नाभिलंब है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी a होती है, तो x बराबर a इसके नाभिलंब का समीकरण आ गया, ठीक है। और नियता का समीकरण, नियता का समीकरण पर वो हो गया x बराबर माइनस a। ये नियता जितनी ये a दूरी थी उतनी दूरी a इधर, और ये नियता आ गई x बराबर माइनस a। ये इसका शीर्ष था, ये अक्षय थी, ठीक है। ये x अक्ष और ये y अक्ष, ठीक है। ये परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की विशेषता है, ठीक है। और नाभिलंब की लंबाई हमने यहां लिख लिया, नाभिलंब की लंबाई 4 होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका परवलय का दूसरा रूप है मेरे पास में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ठीक है। और ये परवलय है, ये परवलय तो राइट साइड में खुलता था मूल बिंदु से, ये परवलय लेफ्ट साइड में खुलने वाला हो गया, यानी कि ये परवलय कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। ये अक्ष है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, और ये इसकी नाभिलंब हो जाएगा, ये एक्स बराबर माइनस है और ये नियता हो जाएगी इसकी x बराबर a, ठीक है। और ये शीर्ष हो जाएगा, तो इसका जो शीर्ष है मेरे पास में 0,0, ठीक है। और इसकी अक्ष है वही मेरे पास में, अक्ष मेरे पास में x अक्ष ही आएगी, ठीक है। नियता इसकी नियता होगी इसकी x बराबर माइनस है, ठीक है। और इसकी नाभिलंब की लंबाई वो मेरे पास में 4 है, नाभिलंब का समीकरण, और नाभिलंब का समीकरण होगा मेरे पास में x बराबर माइनस के, ठीक है। ये इसका नाभिलंब है, ओके, ठीक। इसी प्रकार से मैं वक्र प्लॉट कर लेता हूं, तीसरा जो परवलय है, परवलय का तीसरा रूप वो है मेरे पास में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और एक और है मेरे पास में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ठीक है। ये जो परवलय है ये अपर साइड की ओर खुलने वाला है, ये परवलय हो गया अपर साइड वाला, और ये परवलय है मूल बिंदु से नीचे की ओर खुलने वाला है, ठीक है भाई, क्योंकि यहां शीर्ष इन सभी का मूल बिंदु ही है, ठीक है। अब देखिएगा, इसका शीर्ष 0,0, नाभिलंब की लंबाई वही 4, ठीक है। नियता का समीकरण, नियता अब की बार इस प्रकार से होगी, और ये इसकी नाभिलंब, ठीक है। तो नाभिलंब का समीकरण तो y इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू माइनस b, ये नियता का समीकरण माइनस ए, ठीक है। नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण हो गया वाई इज इक्वल टू ए, ठीक। इसी प्रकार से इसके भी शीर्ष, इसका शीर्ष 0,0, नाभिलंब की लंबाई वही 4 होगी, नियता का जो समीकरण है नियता इसकी आ जाएगी वाई इज इक्वल टू ए, और नाभिलंब का जो समीकरण है वो होगा मेरे पास में y इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। ये इसका नाभिलंब और ये इसकी नियता, नियता y इज इक्वल टू ए और नाभिलंब y इज इक्वल टू माइनस ए, ये इसका शीर्ष, ये अक्ष होगी, ये x अक्ष और ये y अक्ष, ठीक है। ये अक्ष है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष, इसकी अक्ष, अक्ष मेरे पास में इसकी y अक्ष होगी, और इसकी भी अक्ष है वो y अक्ष होगी, ठीक है बच्चों। हमने रेखा को प्लॉट करना, वृत्त के बारे में, परवलय के बारे में, इनके बारे में हमने 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से डीप स्टडी की थी, ठीक है। यहाँ मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज किया है ताकि वक्र का समीकरण देखते हैं हमें पता चल जाए कि ये किस चीज़ का वक्र है, ये रेखा है, वृत्त है, परवलय है, या फिर अति परवलय है, या दीर्घवृत्त है, ठीक है। अब हम दीर्घवृत्त के बारे में जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं, दीर्घवृत्त के प्लॉट करना सीखते हैं। मैं इरेज कर देता हूं इसे, फोर्थ वन है दीर्घवृत्त।
दीर्घ वृत्त का जो मानक समीकरण वो होता है एक्स स्क्वायर पॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, इस दीर्घ वृत्त को प्लॉट करने के लिए इसकी दीर्घ अक्ष के सिरे हो जाएंगे, यहाँ से मेरे पास में दीर्घ अक्ष के सिरे आ जाएंगे ए कोमा जीरो और माइनस ए कोमा जीरो, और लघु अक्ष के सिरे आ जाएंगे जीरो कोमा माइनस बी, सॉरी जीरो कोमा बी एंड जीरो कोमा माइनस बी। ठीक है भाई, तो मैं इन को यहाँ दर्शा लूँगा, ये हो गया मेरे पास में ए कोमा जीरो बिंदु और ये माइनस ए कोमा जीरो बिंदु और ये हो गया जीरो कोमा बी और ये हो गया जीरो कोमा माइनस बी। ठीक है, तो इनसे गुजरने वाला एक दीर्घ वृत्त प्लॉट किया जा सकता है। ओके, ये दीर्घ वृत्त हो गया। यहाँ दीर्घ वृत्त का जो केंद्र है वो जीरो जीरो है। ठीक है, कई बार दीर्घ वृत्त का जो केंद्र है वो हमें इस प्रकार से दे देता है x माइनस एच का होल स्केयर पॉन में ए स्केयर प्लस वाई माइनस के का होल स्केयर पॉन में बी स्केयर इज इक्वल टू वन। फर्क इतना ही है कि इसका केंद्र है वो h कोमा k होगा। ठीक है, तो अब हम इतनी इतनी दूरियों पर इसके दीर्घ अक्ष के सिरे ले लेंगे और ये लघु अक्ष के सिरे ले लेंगे। ठीक है, और इनको मिलाकर मैं एक दीर्घ वृत्त का निर्माण कर सकता हूँ। ठीक है, ये थोड़ी शेप अच्छी नहीं आई है, मार्कर स्लिप हो रहा था। ठीक है भाई, तो ये दीर्घ वृत्त बनाया जा सकता है, इतना हार्ड नहीं आएगा आपके आपके सिंपल सिंपल वक्र दिए गए हैं, सरलरेखा हो गई, वृत्त, परवलय और दीर्घ वृत्त, ये सिंपल सिंपल वक्र दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें 11.1 का, ठीक है, कोई कर रहे अपन, पहला क्वेश्चन दिया गया है 11.1 का।